हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है नई वीडियो में। आज का जो वीडियो वो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसे बजट प्राइस फोन के बारे में जिसका जो प्राइस है ना वो 10,000 से लेके अंदर तक में आपको देखने को मिल जाता है। वो वाला फोन, उसी फोन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं उसमें आपको कौन सा फोन देखने को मिलता है 10,000 के अंदर में। ये फोन है आपको टेक्नो पॉप 6 प्रो आपको देखने को मिलता है, जो कि 10,000 तक में आपको कौन कौन से फीचर देने वाला उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये जो फोन है ना आपको 10,000 रुपये तक के अंदर आपको अमेजोन पर देखने को मिलने वाला। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने हेडफोन्स का लिंक दिया, जिन्हें मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ, यानी मेरे अपने हेडफोन्स में ऑनलाइन सेल करता हूँ। अगर आप वो मेरे हेडफोन परचेस करना चाहते हो, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप मेरे हेडफोन को जो है ना वो परचेस कर सकते हो। तो चलो आप शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फोन की फीचर्स की बात करने से पहले मैं इसके बाहर के साइड में बता देता हूँ बाहर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। बाहर आपको काफ़ी बड़े साइज का डिस्प्ले देखने को मिलता है, नॉच कैमरा आपको इसमें सेल्फी देखने को मिलता है, आप कितने मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बैक साइड में आपको 2 कैमरे देखने को मिलता है, कितने मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा देखने को मिलता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बैक का जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी अमेजिंग सा आपको डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है, यानी लाइनिंग फिनिश वाला आपको डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। नीचे की साइड आपको टेक्नो पॉप की बैजिंग देखने को मिलने वाली है। राइट साइड की बात करूँ तो इसमें आपको पावर ऑन ऑफ बटन विथ फिंगरप्रिंट बटन देखने को मिलता है, यानी इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर राइट साइड में आपको देखने को मिलता है। वॉल्यूम अप डाउन भी बटन भी देखने को मिलता है, जिससे आप अपने गानों का जो वॉल्यूम है ना वो कम ज्यादा कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाता है एक सिम ट्रे, जिसमें आप अपनी दोनों सिम और एक SD कार्ड चला सकते हो। अब उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, इसमें आपको कौन कौन सी सिम देखने को मिल जाती है लगाने को, ताकि अगर आप इसे जब भी यूज़ करें तो आप अपनी दोनों सिम और एक मेमोरी कार्ड के साथ इसे यूज़ कर सको। अब जान लेते हैं इसके फोन के फीचर्स के बारे में, इसमें आपको कौन कौन से फीचर देखने को मिल जाते हैं। टेक्नो पॉप 6 प्रो में इसमें आपको पावरफुल वैल्यूएबल फीचर देखने को मिलते हैं, डॉल्बी नॉच स्क्रीन देखने को मिलती है, इसमें आपको लार्जेस्ट टेस्टिंग बैटरी देखने को मिलती है। अभी आगे और बात करेंगे इसमें आपको कौन कौन सी बैटरी कितने एमएच की भी देखने को मिलती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 16.66 सेंटीमीटर की 6.56 इंच की आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी बड़े साइज की डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में आप 1080p क्वालिटी आराम से चला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके साथ में। अब बात कर लेते हैं क्विक स्मूथ, यानी 120 हर्ट्ज आपको इस फोन में देखने को मिलता है, यानी टच सैंपल रेट भी आपको 120 हर्ट्ज से देखने को मिलने वाला। अगर आप इस फोन में PUBG या बैटल ग्राउंड जैसे गेम खेलने वाले तो उसमें आपको अलग ही एक्सपीरियंस आपको होने वाला, नेक्स्ट लेवल का आपको एक्सपीरियंस ये फोन जो है ना आपको देने वाला। आप इसमें PUBG या बैटल ग्राउंड जैसे भी गेम खेलोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप ये सोचोगे ये थोड़ा सा फोन जो है ना वो लैग करेगा, आपको कोई लैग प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस फोन के साथ में। बेसिकली बजट प्राइस वाला फोन है तो इस हिसाब से आप इसमें अंदाजा लगा सकते हो। वैसे तो इसमें आपको 1080p क्वालिटी आराम से गेम नहीं खेल सकते, बस इसमें आप 480p और 720p आराम से आप इसमें इजिली गेम खेल सकते हो, PUBG या बैटल ग्राउंड जैसे। बात कर लेते हैं इस फोन के कर्व डिजाइन के बारे में तो इसमें आपको 2.5D कवर ग्लास देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2.5D आपको कवर ग्लास देखने को मिलने वाला है, यानी कर्व ग्लास देखने को मिलने वाला है। इसे आप है ना कवर लगा के बेहतर यही होगा कि इस फोन को आप जो है ना कवर लगा के यूज करो, वरना ये जो इसकी डिस्प्ले है ना वो थोड़ी सी बाहर निकल गई तो वो ज्यादा टूटने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं इन चीजों में। बाकी इस फोन का जो डिजाइन है ना वो स्टाइलिश डिजाइन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप पीछे का देख पा रहे हो जो आपकी लाइनिंग वाला शाइनिंग बिल्कुल करता बिल्कुल है ना लाइनें आपको देखने को मिलती, टेढ़े साइड में बिल्कुल ऐसे लगते हैं बिल्कुल स्टाइलिश डिजाइन सही है। जो फोन है ना वो एक न्यू स्टाइलिश डिजाइन में आपको देखने को मिलने वाला। बात करें इसके कलर वेरिएंट के बारे में तो इसमें आपको 2 ही कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक आपको देख सकते हो एक आपको ब्लैक देखने को मिलता है तो एक आपको ब्लू देखने को मिलता है, बस यही 2 कलर आपको ऑनलाइन में देखने को मिलते हैं, बस इसमें आपको 2 ही कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाले अमेजोन पे भी। अगर आप चेक करोगे तो इसमें आपको 2 ही कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी बैकअप के बारे में तो ये जो फोन है ना वो कितने एमएच की बैटरी देता है, कितने बैकअप तक आपका ये जो फोन है ना वो चलने वाला। बात करें बैटरी एमएच के बारे में तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली, अगर आप इसे चार्ज करके पूरे महीने छोड़ दोगे तो ये लगभग 42 दिन तक आपका स्टेबिलिटी टाइम रहता है इस फोन में आपको, यानी 42 दिन तक आपका ये जो फोन है ना बिना यूज करे आपकी जो बैटरी है ना वो चलने वाली है। अगर आप इसमें गेमिंग वगैरह यूज करो वीडियो वगैरह यूज करो तो इसमें आपको वीडियो में 15 आवर तक का बैकअप देखने को मिलने वाला और गेमिंग में आपको 11.5 आवर तक आपको बैकअप देखने को मिलने वाला। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी आती है, एकदम सही है, हिसाब से आप लगा सकते हैं इसमें आपको है ना इतने बजट रेंज में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, तो इस हिसाब से आपको ये जो फोन है ना कितना वैल्यू फॉर मनी होने वाला आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो इस बारे में। और इस फोन में आपको है ना बैटरी लाइफ 2.1 देखने को मिल जाता है, यानी योर नीड योर मोड इसमें आपको देखने को मिल जाता है, लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ आपको देखने को मिलती है, सुपर पावर मोड सेविंग आपको देखने को मिलता है, ऐप ऑप्टिमाइजेशन का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, स्मार्ट पावर सेविंग स्कैनर का भी आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी अपनी बैटरी को भी स्कैन कर सकते हो, उसमें आपको ये पता चल जाएगी कौन सा ऐप आपकी जो बैटरी है ना वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है,
ताकि अगर आप इसमें बैटरी बचा सके, अगर जो फालतू के ऐप है उसे आप अनइंस्टॉल करके उसकी जो बैटरी है ना वो आप अपने फ़ोन में रख सके वापस सेव करके। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ होगी। अगर आप इसमें जो ऐप है ना वो अनइंस्टॉल कर दोगे तो उसके सारे जितने भी जो ये अपने काम के ऐप हैं बस उसे आप यूज़ करो, उसमें आपकी अपनी बैटरी जाएगी, बाकी और किसी में फालतू बैटरी नहीं जाएगी। बाकी इस फोन में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट अनलॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी सेफ्टी जो है ना आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में, आप किस तरीके से यूज़ करो। फेस अनलॉक वाला लगाना चाहोगे तो फेस अनलॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है और फिंगरप्रिंट का भी आपको इसमें अनलॉक देखने को मिलने वाला है। बात करें इस फोन के अनलॉक के बारे में तो इसमें आप 0.65 सेकंड में आपका ये जो फोन है ना आपके फिंगरप्रिंट से या फेस अनलॉक से एकदम फास्ट तरीके से अनलॉक करके आपको देने वाला है। और इस फोन में आपको है ना स्पीक टू योर लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है। आप जिस कंट्री में रहना चाहते हो उस कंट्री में आप रह सकते हैं इस फोन के साथ में। जो किसी भी कंट्री में आप रहना चाहते हो उस कंट्री के बारे में आपको जो है ना वॉइस कर देना, उसी हिसाब से आपकी जो लैंग्वेज है ना वो आपको इस फोन में देखने को मिलने वाली। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जैसे भी आप इसमें लैंग्वेज करना चाहो वैसे इस लैंग्वेज में आप इसमें रिकॉर्ड करके आराम से इस फोन को यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके रैम और रोम के बारे में। तो इसमें आपको 2GB 32GB के साथ में आपको एक वेरियंट देखने को मिलता है, बस इसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है और कोई ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। बस इसके एक ही वेरिएंट आपको देखने को मिलता है 2GB 32GB के साथ में, जिसके एक्सपेंडेबल रैम के बारे में बात करें तो इसमें आप है ना 1TB एक्सपेंडेबल कर सकते हैं, यानी अपना 1TB का इसमें आप है ना SD कार्ड भी इसमें यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप जो है ना अपना डेटा सेव करना चाहते तो इसमें आपको है ना SD कार्ड में रख के आप इसमें इजिली 1TB का आराम से इसमें अपना डेटा जो सेव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। इसमें आपको कौन कौन से कैमरे देखने को मिलते हैं, कितने मेगापिक्सल के कैमरे देखने को, तो बैक साइड की बात करो तो बैक साइड में आपको दो ही कैमरे देखने को मिलते हैं, जो कि 8 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड में भी आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको डुअल फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, AI लेंस आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है, जिसकी क्वालिटी के बारे में तो आप मजे ही आ जाएंगे इसमें। इसमें आप है ना आप अपनी 1080p क्वालिटी आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। फोटो में भी आपको काफ़ी सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपकी ये जो वीडियो है ना फोटो जो है ना वो आपको है ना अल्ट्रा क्लीन में आप जो है ना वो ले सकते हो। इस फोन में आपको है ना पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑलवेज इन फोकस का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है, जिससे भी आप जिस पे भी फोकस करना चाहोगे उसी पे ही आपको फोकस करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ताकि अगर आपकी जो क्वालिटी फोटो जो है ना वो काफ़ी अमेजिंग आपको इस फोन के साथ आने वाली है। बैटरी ये है कि इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, तो कोई बात नहीं, आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी आपको काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी है ना वो आपको देने वाला है। भाई ये जो फोन है ना वो एक काम के पर्पज से बनाया गया है, ताकि अगर आप इसमें कॉलिंग करना चाहोगे तो कॉलिंग आपको जो है ना काम के पर्पज सही जब देखने को मिलने वाली है। बाकी इसमें आपको है ना फ्रंट में सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला, 5 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 5 मेगापिक्सल का कैमरा है ना वो डाउन टू नॉच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आपको जो है देखने को मिलता है, जिससे कि आपकी क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी सी डाउन सी आएगी इस कैमरे के साथ में। बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे काम के लिए यूज़ करना चाहते हो तो काम के लिए यूज़ कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपका बजट है 10,000 से नीचे वाला तो इसमें आप है ना ये वाला फोन भी ले सकते हो, इसमें आपको है ना काफ़ी सारे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, कॉलिंग के लिए भी अच्छी आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला। आपको है ना AI बूटिंग मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप है ना रियल कैमरे से कोई भी फोटो खींच रहे हो उसमें आप है ना अच्छी तरीके से अपने मोड लगा सकते हो, यानी कस्टमाइजेशन फिल्टर करने का भी ऑप्शन आपको इस फोन में जो है ना देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं वीडियो रेजोल्यूशन के बारे में, तो कितनी क्वालिटी में आपकी जो वीडियो है ना वो सेव होने वाली है, यानी रिकॉर्ड होने वाली है। इसमें आप है ना 1080p फुल HD प्लस वीडियो शूटिंग भी आराम से इजिली कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बेस्ट मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो फॉर एवर के साथ में इस फोन में। आपको है ना 2 8 मेगापिक्सल के आपको इसमें कैमरे देखने को मिलते हैं, यानी तो इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं आपकी जो क्वालिटी है ना वो 1080p के आराम से आने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके OS के बारे में, तो इसमें आपको बेस्ड ऑन एंड्रॉइड है ना 12 देखने को मिलने वाले। iOS की बात करो तो इसमें आपको है ना 8.6 आपको देखने को मिलने वाला है, जिससे आपकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अमेजिंग आने वाली। गेम में जो है ना वो अच्छी तरीके से परफॉर्म आपको ये फोन जो है ना करने वाला है। फोन में भी आपको है ना सिस्टम टर्बो 2.0 देखने को मिलने वाला, ताकि आप है ना खूब सारी ऐप चला सको तो इसमें आपको है ना सिस्टम टर्बो 2.0 का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला, ताकि अगर आपका ये जो फोन है ना वो काफ़ी तरीके से फास्ट चले, अपनी सारी एप्लीकेशन जो है ना आप एक साथ भी उन्हें यूज़ कर सकते, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्टोरेज क्लीनर की बात करो तो इसमें आपको स्टोरेज क्लीनर भी आपको देखने को मिलने वाला, जो आपकी वेस्ट ऐप है ना उसे आप है ना उससे क्लीन भी कर सकते, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस फोन के साथ में। इस फोन में आपको है ना स्मार्ट स्विच 1.0 स्मूथ नेटवर्क आपको देखने को मिलने वाला, ताकि अगर आप इसे इंटरनेट में भी यूज़ कर रहे हो ताकि अगर आपका ये जो फोन है ना वो अच्छे से परफॉर्म करने वाला, वीडियो भी देख रहे हो तब भी आपकी जो है ना वीडियो आपकी कोई लैग प्रॉब्लम में नहीं आने वाली, आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते इस फोन को। जैसे ही
मैंने आपको बताया, इसमें आपको सिम ट्रे दी जाती है, आप इसमें आप है ना दो नैनो सिम आप है ना इंस्टॉल कर सकते हो और एक एसडी कार्ड इंस्टॉल कर सकते हो। एसडी कार्ड के बारे में बात करूँ तो इसमें आप है ना 1 TB तक के अंदर तक आप इसमें एसडी कार्ड लगा सकते हो, दो आप सिम लगा सकते हो 4G 3G जो सिम लगाना चाहते वो सिम आप इसमें लगा सकते हो, यानी तीनों जो चीज़ है ना वो आप इसमें इंस्टॉल करके आप अपने फ़ोन को जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। आपकी जो फ़ोन है ना वो कितना वैल्यू फॉर मनी होने वाला है इस हिसाब से लेते। इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो सबसे पहली चीज़ आती है आपको स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, पावर अडेप्टर आपको देखने को मिलने वाला है, USB केबल आपको देखने को मिलने वाली है और सिम इजेक्टर टूल आपको इस फोन में के साथ में देखने को मिलने वाला है। अब बात करें इसके ग्राम के बारे में, तो ये जो फोन है ना 195 ग्राम के साथ में आपको देखने को मिलता है, काफ़ी भारी तो नहीं है पर हल्का है, पर इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको सिर्फ एक ही वेरियंट देखने को मिलता है 2GB 32GB के साथ में। आप उसके प्राइस के बारे में बात कर ले तो उसका जो प्राइस है ना 5,899 रुपये होने वाला। अब इस पर आपको ना अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है तो 23 अक्टूबर से वो भी एंड होने वाली, तो इस पर आप जल्दी से जाकर ये वाला फोन परचेस कर सकते हो। इसमें आपको 28% का डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला। अगर आपके पास कोई कूपन है तो इसमें आप है ना कूपन यूज कर सकते हो अमेजोन पे, तो इस पर आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट देखने को मिलने वाला। अगर आप इस फोन को EMI पे लेते हो तो 282 रुपये इसकी मंथली पेमेंट आपको देनी पड़ेगी EMI पे लेने के लिए। अगर आप लेना चाहते हो तो कैसे भी लेना चाहते हो तो वो उस हिसाब से ले सकते हो, EMI से लेना चाहते हो तो EMI से भी ले सकते हो, अगर आपके पास कैश है तो कैश से भी ले सकते हो। इसकी रेटिंग की बात करें तो इसमें आपको 4.5 है ना रेटिंग देखने को मिल जाती है, 4.3 आपको स्टार रेटिंग देखने को मिल जाती है इसके फोन में। अगर आपको इस फोन में जो फीचर अच्छे लगे उसके बारे में कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना, अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर से कर देना, चैनल पर पहली बार है उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा होगा, जल्दी से जाओ उसे सब्सक्राइब को बटन को क्लिक करो। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने हेडफोन्स का लिंक दिया जिन्हें मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ, यानी मैं अपने हेडफोन्स ऑनलाइन में सेल करता हूँ। अगर आप मेरे हेडफोन खरीदना चाहते हो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर मेरे हेडफोन को जो है ना खरीद सकते हो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए फोन फीचर्स के साथ, मैं नई अनबॉक्सिंग के साथ हूं। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड लक, स्टे सेफ।